आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और लॉक 4 में परिवहन निगम की बसों में लोड फैक्टर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लाखों का घाटा हो रहा है। अधिकारियों ने चालक परिचालकों को रास्ते से सवारी लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी घाटे की भरपाई नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन संक्रमण के चलते यात्री रोडवेज बसों में सफर करने से डर रहे हैं। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजीव शर्मा का कहना है कि अब लोड फैक्टर बढ़ रहा है, फिर भी विभाग को रोजाना लाखों का घाटा हो रहा है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, धीरे धीरे यात्री निकलने शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि संख्या इनमें बढ़ेगी। नहीं, अभी घाटा तो पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि यात्री जितने बढ़ेंगे, यात्रियों के हिसाब से हम बसें भी लगा रहे हैं, और जब बसें ज़्यादा चलेंगी, यात्री ज़्यादा निकलेंगे, तो घाटा भी पूरा होने की संभावना है। संक्रमण से बचने के लिए रोडवेज बसों में सीट क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाकर सफर कराया जा रहा है। चालक परिचालकों को हिदायत दी गई है कि कोई भी यात्री बस में खड़ा होकर सफर नहीं करेगा। सुरक्षा के लिहाज से बसों को आते जाते सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही चालकों को रास्ते में मिलने वाली सवारियों के लिए सैनिटाइजर दिया गया है। बस में बैठने से पूर्व यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। बसों के लिए हम जब बस यहाँ रूट से चल के आती है, तब उसको सैनिटाइज कराते हैं। फिर जब दोबारा जब निकल के जाती है, तब उसको सैनिटाइज करा के बस को बस स्टैंड पहुँचाया जाता है। वहाँ पर पैसेंजरों को मास्क बांधने के लिए कहा जाता है। बस हाथ सैनिटाइज के लिए हाथ प्रचालक से हाथ सैनिटाइज करा, मतलब 500 ml की बोतल दी जाती है उसके लिए। तो हर पैसेंजर के लिए वो 3-4 घंटे बाद वो हाथ साफ करवाता है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने के कारण लोड फैक्टर कम रहा था, लेकिन अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन होने के कारण शनिवार को अनलॉक में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ISBT से यात्रियों की सुविधा के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।